हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम त्रिपिटकों के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद जातक कथाएँ, फिर अश्वघोष के बुद्ध चरितम के बारे में, महावंश एवं दीपवंश जैसे दो महाकाव्यों के बारे में, फिर मिलिंद पन्हों के बारे में, दिव्य अवदान के बारे में, मंजूश्री मूल कल्प के बारे में और अगुंतर निकाह जैसे विभिन्न ग्रंथों के बारे में परिचर्चा करते हुए बुद्ध साहित्य का इस विषय में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे ये भारतीय इतिहास लेखन में साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण साहित्य के समान ही बुद्ध साहित्य में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में व्यापक प्रभाव डाला गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित है। त्रिपिटक। त्रिपिटकों की संख्या तीन है, विनयपिटक, सतुपिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात इनकी रचना की गई, अर्थात महात्मा बुद्ध की स्वर्ग प्राप्ति के बाद में इनकी रचना की गई। विनयपिटक में बुद्ध धर्म के संघ के नियमों का उल्लेख है। सतुपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलन किया गया है और वहीं अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन के बारे में गंभीरता से और गहराई से चर्चा की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बुद्ध साहित्य है जातक कथाएं। बुद्ध साहित्य में जातक कथाओं का प्रमुख स्थान है। जातकों की संख्या कुल 549 है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में विभिन्न प्रकार की काल्पनिक कथाएं की गई है। काल्पनिक होने पर भी ये कथाएं अपने समय और उस समय से पूर्व समाज के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियों से परिपूर्ण है और आर्थिक जीवन को भी प्रस्तुत करती है। डॉक्टर विंटर निटिस ने जातक कथाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है, इनक्रेडिबल है। ये केवल इसलिए नहीं है कि वे साहित्य और कला का अंश है, बल्कि उनका महत्व तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय सभ्यता का दिग्दर्शन कराने में है। बुद्ध साहित्य का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम की रचयिता महाकवि अश्वघोष है। इस ग्रंथ से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध की साधना, उनके विभिन्न प्रकार के उपदेशों के बारे में और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में इसकी जानकारी पर्याप्त रूप में दी गई है। बौद्ध साहित्य में दो महत्वपूर्ण महासाहित्य है, जिनमें महावंश और दीपवंश है। इन्हें महाकाव्य कहा गया। ये दोनों ही ग्रंथ श्रीलंका के पाली महाकाव्य के हैं। इन दोनों ग्रंथों से ही भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश की रचना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की ईस्वी की है, जबकि महावंश की रचना संभवतः पांचवी शताब्दी ईस्वी में हुई है। और ये दोनों ही महाकाव्य हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है मिलिंद पन्हों। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में नागसेन के आपस के प्रश्न एवं उत्तरों का वर्णन दिया गया है, जहां यूनानी राजा मिनेंडर विभिन्न प्रकार के दार्शनिक प्रश्न बौद्ध भिक्षु नागसेन से करता है और नागसेन इन प्रश्नों का उत्तर देता है। उत्तर पश्चिमी भारतीय जीवन के बारे में भी पर्याप्त रूप से हमें जानकारी मिलिंद पन्हों से मिलती है। दिव्य अवदान में अनेक राजाओं की कथाएं मिलती है। इस ग्रंथ में अनेक अंश चौथी शताब्दी तक जोड़े गए। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व गुप्त काल के बारे में भी है। मंजूश्री मूल कल्प, यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ से कुछ अन्य प्राचीन राजवंशों के बारे में भी हमें संक्षिप्त रूप से विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगुंतर निकाह। इस ग्रंथ से हमें प्राचीन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यह कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से 16 महाजनपदों के बारे में पूर्ण सूचना देता है। ललित विस्तार और वैपुल्य सूत्र बौद्ध साहित्य के इन दोनों ग्रंथों से भी बौद्ध धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अतः हमने इस
वीडियो लेक्चर के तहत बौद्ध साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन में महत्व को हमने समझा और जाना। थैंक यू सो मच।